हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन. लास्ट टाइम वी वर डूइंग एक्सरसाइज 10.1 फ्रॉम द एलिमेंट्स बुक. वी हैव डन टिल 8th क्वेश्चन. नाउ टुडे स्टार्ट फ्रॉम द 9th क्वेश्चन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, और ये बेसिक सी एक्सरसाइज है हमारी, कुछ ज़्यादा वो भी नहीं है. 10th लेवल तक हमने इसको कर रखा है. डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 2x + 3y + 7 = 0 डिवाइड्स द जॉइन ऑफ 0.34 and 7.8. क्या कह रखा है, हमें रेशियो फाइंड आउट करना है. इन विच द लाइन, ये जो लाइन है वो डिवाइड करती है जॉइन ऑफ 0.34 and -7 + 7.8. ये हमारी लाइन की इक्वेशन है ए बी. ए पॉइंट इज 3.4, बी इज 7.8. लाइन की इक्वेशन है 2x + 3y + 7 = 0. ये कोई भी एक पॉइंट बीच में पी मान लेते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे हम मान के चलेंगे कि ये जो लाइन है इन दोनों जॉइन ऑफ 0.34 and 7.8 को किस रेशियो में डिवाइड करती है, के रेशियो 1 में. तो यहां से लिखते हैं हम, लेट द लाइन 2x + 3y + 7 = 0 डिवाइड्स द जॉइन ऑफ 0.34 and 7.8 इन द रेशियो के रेशियो 1. किस रेशियो में डिवाइड करती है इसको, मान लेते हैं कि के रेशियो 1 में इसको डिवाइड करती है. नाउ सेक्शन फॉर्मूले से हम किसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे, यहां से पी पॉइंट के. और ये पी पॉइंट इसी लाइन पे है और लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है. देन पी पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हम इक्वेशन में पुट कर देंगे और वहां से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, के की वैल्यू, मीन्स के रेशियो 1 रेशियो हमारा फाइंड आउट हो जाएगा. तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिवीजन, यानी कि इसको जो डिवाइड करता है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिवीजन, ठीक है, मींस पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे स्टूडेंट, के की मल्टीप्लाई इधर करेंगे दैट इज 7 के प्लस में 1 की मल्टीप्लाई इसके एक्स कोऑर्डिनेट और के प्लस में 1, फिर k की मल्टीप्लाई y कोऑर्डिनेट दैट इज 8k प्लस में 4 अपॉन में k प्लस में 1. नाउ सिंस दिस पॉइंट p लाइज ऑन द गिवन लाइन, गिवन लाइन के ऊपर क्या करेगा, ये लाई करेगा. तो यहां पे लिखेंगे हम, सिंस पॉइंट p लाइज ऑन द लाइन, लाइन की इक्वेशन क्या है हमारी 2x + 3y + 7 = 0. इसमें x कोऑर्डिनेट की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे हम, 7k + 3 upon k + 1 x कोऑर्डिनेट की जगह, एंड y कोऑर्डिनेट की जगह 8k + 4 upon k + 1. तो यहां से क्या आ जाएगा, 2 × x दैट इज 7k + 3 upon k + 1 + 3y. y की वैल्यू क्या है, 8k + 4 upon k + 1 और प्लस में क्या है इसमें 7 = 0. अब हम इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, के की वैल्यू. तो के की वैल्यू के रेशो 1 में पुट करेंगे तो देन हमारे पास क्या आ जाएगा, ये रेशो. तो यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 14k + 6 upon k + 1 24k + 12 upon k + 1 प्लस में 7 = 0. k प्लस 1 हम एलसीएम ले लेंगे यहाँ से, 14k + 6 24k + 12 प्लस में 7 के मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे दैट इज 7k + 7 = 0. अब ये वाली टर्म उधर जाके क्या हो गई, 0. देन इसको सोल्व कर लेंगे 14k + 24k + 7 ये कितना आ गया 31k, 31 के इसके साथ करेंगे देन 45k, 6 + 12 = 18, 18 + 7 = 25, ठीक है. ये उधर जाके क्या बन गया, 0. अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ से k की वैल्यू. देन हम 45k को इधर रखेंगे = -25. k की वैल्यू क्या आ गई, -25 upon 45, 5 से कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई हमारी -5 upon 9. k की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, यहाँ से हमारी -5 upon 9. सो रेशियो हमारा क्या आ गया यहाँ से, के रेशो 1, -5 upon 9 ratio 1, 9 की मल्टीप्लाई उधर हो जाएगी -5 ratio 9. तो ये हमारा क्या होगा, इसका फाइनल आंसर -5 ratio, माइनस का मतलब होता है ये इसको यहाँ पे क्या करेगा, एक्सटर्नली डिवाइड करेगा.
ठीक है, तो रेशियो हमारा क्या आ गया, माइनस फाइव रेशियो नाइन। एक बार फिर से देखो, हमें रेशियो फाइंड आउट करना था कि ये जो लाइन है वो डिवाइड करती है ज्वाइन द पॉइंट्स ऑफ 3, 4 एंड 7, 8। तो ये 3, 4 ले लिया, ये पॉइंट 7, 8, कोई भी पॉइंट P ले लिया, ठीक है, और ये इस लाइन की इक्वेशन है। तो यहाँ से हमने मान लिया कि लेट द लाइन डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ पॉइंट 3, 4 एंड 7, 8 इन द रेशियो के रेशियो वन। के रेशियो वन में हम इसको लेके चल पड़े। तो अगर के रेशियो वन में इसको डिवाइड कर रहे हैं, नाउ पी के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे हम यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। P पॉइंट किसके ऊपर लाई करता है, गिवन लाइन पे, तो x कोऑर्डिनेट की जगह पे x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, y की जगह पे y की। इसको सोल्व करेंगे देन k की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से हमारी माइनस फाइव रेशियो नाइन। नाउ नेक्स्ट करते हैं टेंथ, इफ माइनस वन थ्री, वन माइनस वन एंड फाइव वन आर द वर्टिसिज ऑफ ए ट्रायंगल। ये हमें वर्टिसिज गिवन है किसके, ट्रायंगल के। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स मीडियन, मीडियंस की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो ट्रायंगल्स के अंदर कितने मीडियंस होंगे, यहाँ पे थ्री। ए बी सी मैंने एक ट्रायंगल ले ली, ठीक है, ए बी सी इज ए ट्रायंगल। इसमें एक तो मीडियन ले लिया मैंने इसके वर्टिसिज से, इस पॉइंट इस साइड्स पे ए डी, दूसरा इस साइड पे बी ई एंड थर्ड वन इज सी एफ, ठीक है। ये तीनों क्या हो गए हमारे ट्रायंगल्स के मीडियन फ्रॉम दी वर्टिसिज ए बी सी। अब हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है मीडियंस की, मींस एडी लेंथ, बी एंड सी एफ। तो ये कैसे आएगी स्टूडेंट, ए बी सी की वैल्यू हमें गिवन है, ए वर्टिसिज है हमारा माइनस वन थ्री एंड बी इज वन माइनस वन एंड सी इज फाइव वन। नाउ जो डी ई एफ पॉइंट्स हैं, हमें पता है ना मीडियन क्या करता है, इस साइड्स को बाइसेक्ट, मीन्स ये डी इसका क्या है, मिड पॉइंट। बी डी इक्वल टू डी सी है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। सिमिलरली एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। नाउ यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला हम किसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ से पॉइंट डी, पॉइंट ई एंड पॉइंट एफ। चलो फाइंड आउट करते हैं डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी, ऑफ पॉइंट डी, डी इसका मिड पॉइंट है। नाउ एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, दैट इज वन प्लस फाइव बाई टू, माइनस वन प्लस वन बाई टू। तो डी के कोऑर्डिनेट क्या आ गए हमारे, थ्री और जीरो। क्या कोऑर्डिनेट आ गया हमारा, थ्री और जीरो। सिमिलरली कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ई, ई के कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट करेंगे यहां से, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ई, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, माइनस वन प्लस फाइव बाई टू, थ्री प्लस में वन बाई टू, ठीक है। तो यहां से इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए हमारे पास, फोर बाई टू, दैट इज टू, फोर बाई टू, ये भी कितना आ गया यहां से, टू, ठीक है, ये भी फोर आ गया था और ये भी फोर। तो ये कोऑर्डिनेट हमारा क्या आ गया यहां से, टू टू। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एफ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एफ, एफ के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे यहाँ से, माइनस वन प्लस वन बाई टू, ये तो जीरो आ जाएगा, एंड थ्री माइनस में वन बाई टू, दैट इज ये जीरो, टू बाई टू वन। तो ये कोऑर्डिनेट आ गया हमारा जीरो वन। नाउ इजिली हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ए डी बी एंड सी एफ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। इनकी लेंथ हम मीडियंस की फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे हम लेंथ ऑफ मीडियन ए डी, मीडियन ए डी की हम लेंथ फाइंड आउट करेंगे नाउ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ए बी कोऑर्डिनेट गिवन है, डी बी है, तो दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, थ्री माइनस माइनस प्लस हो गया, थ्री प्लस वन का होल स्केयर, जीरो माइनस थ्री का होल स्केयर। तो यहाँ से क्या आ गया, फोर का होल स्केयर सिक्सटीन, प्लस में नाइन, दैट इज ट्वेंटी फाइव। तो ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस फाइव, लेकिन ये तो लेंथ है, लेंथ को कभी भी हम नेगेटिव नहीं लेंगे, तो ओनली यहाँ पे जो वैल्यू आएगी हमारी क्या आ जाएगी, फाइव। क्या वैल्यू आएगी इसमें, इसकी मीडियन की जो लेंथ है AD की वो फाइव। नाउ लेंथ ऑफ मीडियन BE, BE की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, B और E, टू माइनस वन इसका होल स्क्वायर, फिर टू प्लस में वन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ गया वन प्लस में थ्री का होल स्क्वायर नाइन, दैट इज रूट टेन। नाउ थर्ड मीडियन कौन सा है हमारा, CF, लेंथ ऑफ CF, लेंथ ऑफ मीडियन सी एफ, ये भी कितना आ जाएगा हमारा, फाइव माइनस में जीरो,
इसका होल स्क्वायर, 1 माइनस में 1 इसका होल स्क्वायर, ये तो 0 बन गया, 25 दैट इज 5। तो यहाँ से लेंथ ऑफ मीडियंस AD इज 5, लेंथ ऑफ मीडियम मीडियन BE इज √10 एंड लेंथ ऑफ मीडियन CF इज 5। बहुत ईजी था। डायरेक्ट हमने क्या किया, पहले इसके मिड पॉइंट फाइंड आउट किए, क्योंकि हमें पता है मीडियन क्या करता है, बाइसेक्ट। अब दोनों कोऑर्डिनेट आने के बाद लेंथ ऑफ AD इजिली यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हम फाइंड आउट कर सकते हैं, सिमिलरली BE एंड सिमिलरली CF। तो ये हमारी आ गई इसकी लेंथ ऑफ द मीडियन AD BE एंड CF। नाउ नेक्स्ट करते हैं 11th। यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, प्रूव दैट द पॉइंट्स 1, 4, 3, -2 एंड -3, 16 आर कोलिनियर। तो यहाँ से हम हमारे पास किसका कंसेप्ट आया है स्टूडेंट, कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं, जो एक सेम लाइन में हो, बट इन केस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें कौन सा कंसेप्ट यूज करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो वहां से हमें पता होता है कि व्हेन पॉइंट्स आर कोलिनियर देन द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज 0। तो अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को इक्वल टू 0 दिखा दें तो हमारे पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, कोलिनियर। तो ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा x1 y1, दैट इज x2 y2 एंड थर्ड वन इज x3 y3। तो पॉइंट्स हम मान के चलते हैं यहां से, लेट ए पॉइंट मान लिया मैंने 1, 4, बी पॉइंट इज 3, -2 एंड सी पॉइंट इज -3, 16। ठीक है, ये है x1 y1, ये है हमारा x2 y2 एंड ये क्या है हमारा x3 y3। तो यहां से हमें क्या करना है, व्हेन एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 देन वी कैन से दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो सबसे पहले हम इसके अंदर क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर वो 0 के इक्वल आ जाता है तो उस केस में हम क्या कह देंगे, पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो यहां से हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, डायरेक्ट फाइंड आउट कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो यहां से एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ। ठीक है, यहां से क्या होता है, इसमें मोड वैल्यू ही होती है, हमें पता है x1 y2 -y3। ठीक है, 1, 2, 3, फिर प्लस में x2 के बाद 3 आता है y3 -y1, प्लस में x3 y1 -y2। नाउ एरिया निकाल के देखते हैं हम, x1 की वैल्यू क्या है 1, y2 की वैल्यू क्या है -2, y3 की क्या है 16, -2 -16, प्लस में x2 दैट इज 3, y3 -y1 16 -4, प्लस में x3 की वैल्यू क्या है -3, y1 -y2, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, इसको सॉल्व करते हैं हाफ, माइनस में 18 और ये कितना आ गया 12, ये 36, यहाँ से 6 और माइनस में 18, तो ये आ गया हमारा एरिया इक्वल टू हाफ -36 प्लस में 36 दैट इज 0। एरिया क्या आ गया 0। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0, तो सो गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। गिवन पॉइंट्स क्या आ गए हमारे, कोलिनियर। ठीक है, यही हमें फाइंड आउट करना था यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, और वी नो दैट व्हेन एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो सिंपली हमने इसको x1 y1 का, x2 y2, x3 y3, एरियाज का फॉर्मूला लगाया, देन एरिया हमारा 0 के इक्वल आ गया। तो यहां से हम कह सकते हैं कि पॉइंट्स हमारे क्या है, गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। नाउ नेक्स्ट करते हैं 12th क्वेश्चन। इफ द पॉइंट्स AB, A'B' एंड A-B-B' आर कोलिनियर, सो करना है हमें AB' = A'B। तो व्हेन पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है स्टूडेंट, 0। तो वहां से हम वही कंसेप्ट लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, वहां से हमारे पास ये रिलेशन निकल के आ जाएगा। तो देखते हैं, ये है हमारा x1 y1 पॉइंट। ठीक है, ए पॉइंट मान लिया ये AB, दैट इज x1 y1, बी पॉइंट इज A'B' दैट इज x2 y2, एंड सी पॉइंट इज A-A'B-B', और इस पॉइंट को मान लिया मैंने x3 y3, और यहां पे लिखेंगे व्हेन पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। व्हेन पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0।
ट्रायंगल इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो जीरो के इक्वल पुट करेंगे एरिया इक्वल टू जीरो। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू में एक्स वन वाई टू माइनस में वाई थ्री प्लस में एक्स टू वाई थ्री माइनस में वाई वन प्लस में एक्स थ्री, थ्री के बाद वन से नंबरिंग वन टू इक्वल टू जीरो। अब ये वन बाई टू उधर जाके जीरो बन गया। ठीक है, नाउ एक्स वन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए है, वाई टू की वैल्यू क्या है बी डैस, वाई थ्री की क्या है ये वाली बी माइनस में बी डैस प्लस में एक्स टू दैट इज ए डैस, वाई थ्री की क्या है यही है बी माइनस में बी डैस और माइनस में वाई वन दैट इज बी प्लस में एक्स थ्री ए माइनस में ए डैस वाई वन माइनस वाई टू यानी कि बी माइनस में बी डैस इक्वल टू जीरो। ये आ गया हमारा, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू बी डैस माइनस बी प्लस में बी डैस। ठीक है, ए डैस और यहाँ से क्या आ जाएगा ए डैस बी माइनस में ए डैस बी डैस। ठीक है, यही है ना, और माइनस में क्या है इसमें, सॉरी ये टर्म इसके माइनस में है वाई थ्री माइनस में वाई वन। तो यहाँ से हम पहले क्या कर देंगे ए डैस को बाहर रखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया हमारा ये वाला, तो माइनस बी डैस रह गया। प्लस में इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, पहले एक इन दोनों के साथ ए बी माइनस ए बी डैस फिर ए डैस की प्लस में ए डैस बी डैस इक्वल टू जीरो। तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से हम, ये टू बी डैस बन गया ना, यहाँ से बी डैस माइनस में बी और ये क्या हो गया हमारा प्लस में। यही था ना, एक बार फिर से देख लेते हैं, एक्स वन था हमारा ए एंड वाई टू माइनस वाई थ्री दैट इज बी डैस माइनस में ये माइनस बी माइनस में बी डैस। तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी हो गया हमारा टू बी डैस माइनस में बी, ये आ गया ए डैस बी डैस प्लस में ए बी माइनस ए बी डैस ए डैस बी प्लस में ए डैस बी डैस इक्वल टू जीरो। ये कैंसिल आउट हो गया, टू ए बी डैस माइनस में ए बी प्लस में ए बी माइनस में ए बी डैस। ठीक है, माइनस में ए डैस बी इक्वल टू जीरो, तो ये कैंसिल आउट हो गया। टू ए बी डैस में से हम ए बी डैस ये माइनस करेंगे तो क्या बचेगा ए बी डैस और माइनस में ए डैस बी इक्वल टू जीरो। देन इसको इधर ले आएंगे, ए बी डैस किसके इक्वल आ गया ए डैस बी। यही तो हमें प्रूव करना था, ए बी डैस किसके इक्वल ए डैस बी के, हैंस प्रूव। ठीक है, हमें यही प्रूव करना था कि ए बी डैस किसके इक्वल हो ए डैस बी के व्हेन द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर और वी नो दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू जीरो। तो सिंपली हमने एरिया इक्वल टू यहाँ पे जीरो का फॉर्मूला लगाया, हाफ उधर जाके जीरो बन गया, इनमें वैल्यू मैंने पुट की, अंदर इसको सोल्व किया सिंप्लीफाई किया, देन हमारे पास सारी टर्म्स कैंसिल हो गई, ओनली टर्म्स बची है ए बी डैस इक्वल टू ए डैस बी, हैंस प्रूव। नाउ नेक्स्ट करते हैं 13, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस आर 1, 1, 3, 4, 5 माइनस टू एंड 4 माइनस 7। क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस हमें गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ से, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो मैंने यहाँ से एक क्वाड्रिलेटरल ले दिया, ये ए बी सी डी, ए बी सी डी, एक इसका मैंने डायगोनल ले दिया। ठीक है, एक है कोऑर्डिनेट 1, 1, इसके है 3, 4, 5 माइनस टू एंड डी के हैं 4, 7। तो यहाँ से ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर ए सी एक डायगोनल है। हमने डायगोनल को ज्वाइन क्यों किया है स्टूडेंट, ए बी सी डी का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो ए बी सी डी के अंदर टू ट्रायंगल्स बन रही हैं, एक डायगोनल मैंने यहाँ से ज्वाइन करने के बाद देर आर टू ट्रायंगल्स। अगर मैं दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल के ऐड कर दूँ तो कंप्लीट एरिया किसका आ जाएगा, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिखेंगे कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी किसके इक्वल होगा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी ए बी सी प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, दोनों के एरियाज को अगर हम ऐड कर दें तो किसका कंप्लीट एरिया किसका आ जाएगा, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो यहां से हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो इसके वर्टिसेस है हमारे पास 1, 1, 3, 4 और सी के हैं 5, 2। ठीक है, तो यहाँ से ये एक्स वन वाई वन, ये है एक्स टू वाई टू और ये है हमारा एक्स थ्री वाई थ्री। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी,
ABC का एरिया किसके इक्वल होगा, हाफ इंटू एक्स वन वाई टू माइनस में वाई थ्री, फोर प्लस में टू, प्लस में एक्स टू दैट इज थ्री, वाई थ्री माइनस में वाई वन, माइनस टू माइनस वन, प्लस में एक्स थ्री फाइव, वाई वन माइनस वाई टू, ठीक है। तो इसका एरिया आ जाएगा हमारे पास सिक्स, और ये माइनस थ्री की माइनस नाइन, माइनस थ्री माइनस फिफ्टीन, यानी यहाँ से एरिया हमारा कितना आ गया, वन अपॉन में टू, ये आ जाएगा हमारा सिक्स माइनस में फोर ट्वेंटी फोर, दैट इज माइनस में एटीन, तो ये कितना आ गया हमारा माइनस नाइन स्क्वेयर यूनिट्स, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हम क्या फाइंड आउट करेंगे इसके अंदर स्टूडेंट, ए सी डी, ठीक है। ए सी डी में ऐसे ही थ्री कोऑर्डिनेट्स हैं, ए के हैं वन वन फाइव माइनस टू, वन वन फाइव माइनस टू, एंड डी के हैं फोर माइनस में सेवन। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, सेम एज इट इज निकालेंगे हम, एक्स वन वन वाई टू माइनस वाई थ्री, माइनस टू प्लस में सेवन, प्लस में एक्स टू फाइव, वाई थ्री माइनस में वाई वन, माइनस सेवन माइनस में वन, प्लस में एक्स थ्री वाई वन माइनस में वाई टू, ठीक है, वन प्लस में टू हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा फाइव, और यहाँ से माइनस एट, इसके साथ करेंगे माइनस फोर्टीन, प्लस में ट्वेल्व, तो यहाँ से कितना आ गया हाफ, ये कितना आ जाएगा माइनस में थर्टी फाइव, प्लस में ट्वेल्व, ये थ्री ये टू, माइनस ट्वेंटी थ्री बाई टू। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज माइनस नाइन, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी इज माइनस ट्वेंटी थ्री अपॉन में टू। नाउ दोनों एरियाज को हम ऐड कर देंगे, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, तो इसका एरिया है माइनस नाइन और इसका एरिया है माइनस ट्वेंटी थ्री अपॉन में टू, तो ये कितना हो गया माइनस एटी, एटीन माइनस ट्वेंटी थ्री अपॉन में टू। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी किसके इक्वल आ गया, ये माइनस फोर्टी वन अपॉन में टू, लेकिन कभी भी हम एरिया को नेगेटिव नहीं लेंगे। सो एरिया आ गया हमारा क्वाड्रिलेटरल का फोर्टी वन अपॉन में टू स्क्वेयर यूनिट्स। स्क्वेयर यूनिट्स हमें साथ में रखनी है क्योंकि एरिया की ये यूनिट होती है, यहाँ पे एक नंबर एग्जामिनर काट सकता है, तो यहाँ से हमें साथ में लिखनी है एरिया इक्वल टू 41 अपॉन में टू स्क्वेयर यूनिट्स। तो ये बहुत ही इजी मेथड था, ऐसा ही क्वेश्चन हमने टेंथ में भी किया है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड आउट करना है, देन हम ये डायगनल भी ज्वाइन कर सकते थे। अगर मैं बी डी डायगनल को ज्वाइन करूँ देन ए बी डी एंड बी सी डी आर टू ट्रायंगल्स, दोनों का एरिया निकाल के हम ऐड कर देंगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आ जाएगा और सेम आंसर आएगा, दैट इज 41 अपॉन में टू स्क्वेयर यूनिट्स। नाउ नेक्स्ट करते हैं 14, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज ट्वाइस इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो यहां से देखो स्टूडेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस, एक लोकस एक नया वर्ड आया है हमारा यहाँ पे कि लोकस क्या होता है, ठीक है। लोकस की डेफिनेशन देखते हैं, द पाथ डिस्क्राइब्ड बाई ए पॉइंट विच सेटिस्फाई ए गिवन कंडीशन, यानी कि एक क्या है ये पाथ डिस्क्राइब्ड बाई ए पॉइंट जो गिवन कंडीशन को क्या करता है सेटिस्फाई। तो यहाँ पे हम लोकस की डेफिनेशन देखेंगे फिर इसकी इक्वेशन लिखेंगे, द पाथ डिस्क्राइब्ड बाई ए Described by a point which satisfy the given condition, ठीक है, या हम क्या कह सकते हैं, और locus may be defined as aggregate of all points, defined as aggregate all points satisfying ए ज्योमेट्रिकल कंडीशन, जो हमें गीवन मिलेगी सेटिस्फाइंग ए गीवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन, ऑल एग्रीगेट ऑफ ऑल पॉइंट्स सेटिस्फाइंग ए गीवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन, ठीक है, यानी कि एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन को क्या करेगी सेटिस्फाई करें, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे लोकस, ठीक है, लोकस द पाथ डिस्क्राइब्ड बाई ए पॉइंट, ठीक है, विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करे उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे लोकस, ये कह सकते हैं लोकस में भी डिफाइंड एज एग्रीगेट ऑफ ऑल पॉइंट्स
सेटिस्फाइंग ए गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन। जो भी हमें एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन दी मिलेगी अगर उसको ये सेटिस्फाई करेगा तो उस पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, लोकस। ठीक है, अब हमें क्या लिखनी है, इसकी डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्स एक्सिस इज ट्वाइस इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दी वाई एक्सिस। तो यहाँ पे एक पी एक्स वाई मूविंग पॉइंट मान लेते हैं, लेट पी एक्स वाई बी दी मूविंग पॉइंट। ठीक है, तो यहां से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है फ्रॉम एक्स एक्सिस से वो क्या होनी चाहिए, डिस्टेंस फ्रॉम दी वाई एक्सिस, ट्वाइस द डिस्टेंस फ्रॉम दी वाई एक्सिस। सिंस पॉइंट पी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज ट्वाइस द डिस्टेंस फ्रॉम दी वाई एक्सिस, ट्वाइस द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस। इसने ये गिवन दे रखी, इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो यहाँ से क्या हो जाएगी हमारी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये क्या है हमारा वाई एक्सिस से। तो ये जो हम डिस्टेंस लेंगे एक्स एक्सिस की, डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से ये डिस्टेंस, ये कोई भी एक पॉइंट पी है, ठीक है पी एक्स वाई, तो ये डिस्टेंस क्या है एक्स एक्सिस से, ये डिस्टेंस हमारी वाई, देन वाई इक्वल टू ट्वाइस किसकी होगी, डिस्टेंस फ्रॉम दी वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से ये डिस्टेंस, इसको हम क्या बोलते हैं एक्स डिस्टेंस और इसको क्या बोलते हैं वाई, देन वाई क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लोकस इज वाई इक्वल टू टू एक्स। तो यहां पे लिखेंगे विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। ओके, यही तो बोला था ना कि जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ये होगी हमारी इससे ऊपर, ये पॉइंट पी था तो इसके एक्स से डिस्टेंस ये वाई हो गई, ये किसके इक्वल थी ट्वाइस द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस ये है हमारी, इससे डिस्टेंस क्या होती है एक्स, तो यहाँ से वाई इक्वल टू टू एक्स विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम 15 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ए पॉइंट इज सच दैट द डिफरेंस ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट, ये फिक्स्ड पॉइंट हमें गिवन है ए जीरो एंड माइनस ए जीरो इज कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट ले रखा है एंड इक्वल टू टू ए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इट्स लोकस, इसके लोकस की हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हम ये दोनों पॉइंट्स गिवन है ए और बी मान लेते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को लेट ए ए जीरो एंड बी माइनस ए जीरो बी दी गिवन पॉइंट्स, बी दी गिवन पॉइंट्स एंड एक पॉइंट्स मान लेते हैं जिसे इसके डिस्टेंस दे रखी है, लेट पी एक्स वाई बी दी मूविंग पॉइंट, मूविंग पॉइंट। ठीक है, तो यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे, देन ये किसके इक्वल होगा, मूविंग पॉइंट्स ऑन दी लोकस, बी मूविंग पॉइंट्स ऑन दी लोकस। ठीक है, नाउ गिवन कंडीशन क्या है हमारी, गिवन कंडीशन क्या है इसका, जो स्केयर है दोनों डिस्टेंसेज का, डिफरेंस ऑफ द स्केयर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट। ठीक है, तो यहां से पी की ए से डिस्टेंस, पी ए स्केयर माइनस में पी बी स्केयर, डिफरेंस लेना है स्केयर का, वो किसके इक्वल है कॉन्स्टेंट। ठीक है, वो प्लस माइनस टू ए ले लेंगे हम, डिस्टेंसेज किसके इक्वल है प्लस माइनस टू ए। नाउ पी ए स्केयर हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, सेम एज इट इज हम पी बी स्केयर निकाल सकते हैं, ये मीन्स पी ए का होल स्केयर है, ये पी बी का होल स्केयर है, इसका मतलब यही है। ठीक है, तो यहाँ से पी ए डिस्टेंस निकालेंगे हम, कितना आ जाएगा एक्स माइनस ए का होल स्केयर प्लस में वाई माइनस जीरो का होल स्केयर, माइनस में ये करेंगे दैट इज एक्स माइनस माइनस प्लस प्लस में वाई माइनस जीरो का होल स्केयर इक्वल टू प्लस माइनस टू ए। नाउ इसको ओपन करेंगे हम, ठीक है, एक्स स्केयर प्लस में ए स्केयर माइनस टू ए एक्स प्लस में वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर प्लस में टू ए एक्स प्लस में वाई स्केयर इक्वल टू प्लस माइनस टू ए। एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस को ओपन करेंगे टू ए एक्स प्लस में वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर माइनस में टू ए एक्स प्लस में वाई स्केयर इक्वल टू प्लस माइनस टू ए। एक्स स्केयर से एक्स स्केयर कैंसिल हो गया एंड यहाँ से ए स्केयर हो गया, वाई स्केयर एज इट इज है हमारा, ये क्या है माइनस वाई स्केयर भी तो आएगा ना, माइनस का होगा वाई स्केयर भी हमारा
फिर से देखो कहीं हमने मिस्टेक की है, पी एक्स वाई पॉइंट था, देन वाई माइनस में जीरो, ठीक है, और इसमें भी हमने क्या किया था, इसको वाई माइनस में जीरो, तो यहाँ से वाई स्केयर, और ये हमारा किसका हो गया था लास्ट में, ये दोनों माइनस के हैं अंदर, तो ये हमारा माइनस का होगा, ठीक है, वाई स्केयर से वाई स्केयर कैंसिल हो गया, माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स दैट इज माइनस फोर एक्स इक्वल टू प्लस माइनस है टू ए, क्लियर है ना, यहाँ तक सारी टर्म्स हमारी कैंसिल आउट होगी, माइनस फोर एक्स इक्वल टू प्लस माइनस है टू ए, तो ए से ए कैंसिल हो गया, देन माइनस फोर एक्स इक्वल टू प्लस माइनस है टू, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई हमारी, प्लस माइनस टू अपोन में फोर दैट इज वन अपोन में टू प्लस माइनस, तो x इक्वल टू प्लस माइनस वन अपोन में टू विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लोकस, हमारी इक्वेशन क्या आ गई लोकस की, प्लस माइनस वन अपोन में टू। एक बार फिर से देखो स्टूडेंट, हमें गिवन था डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट ए और बी था, ये पॉइंट्स कोई भी हमने मूविंग पॉइंट ले लिया, तो इससे इसकी डिस्टेंस का स्क्वायर का डिफरेंस एक कांस्टेंट 2a के इक्वल था, देन पी ए स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस है 2a, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे हम प्लस माइनस दोनों साइन लेके चलेंगे, तो यहाँ से पी ए स्क्वायर निकालेंगे x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस जीरो, पी की a से डिस्टेंस, नाउ पी की b से डिस्टेंस दैट इज ये, अब माइनस को मैंने अंदर अंदर लेके गए माइनस को, तो ये सारे टर्म्स माइनस की हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो गई, माइनस फोर एक्स किसके इक्वल आ गया, प्लस माइनस टू ए, एंड एक्स की वैल्यू आ गई हमारी प्लस माइनस वन अपोन में टू, ठीक है, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लोकस। ओके स्टूडेंट, कंप्लीट हो गई हमारी एक्सरसाइज 10.1 फ्रॉम द एलिमेंट्स बुक, आई होप आपको ये एक्सरसाइज क्लियर होगी, क्योंकि बहुत ही ईजी एक्सरसाइज थी स्टूडेंट 10th बेस्ड की, ठीक है, अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है किसी भी क्वेश्चंस में किसी भी स्टेप पे, देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 10.2। थैंक्स एवरीवन।